बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं आज 7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी। रायबरेली जिले की शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते दिनों मिल एरिया थाना क्षेत्र व शहर कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला था। दर्जनों घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए तीन सिरदर्द खड़े कर दिए थे, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चार शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लाखों रुपए की चोरी हुए जेवरात समेत अन्य सामान को भी बरामद कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। आइए देखते हैं क्या कहा एसएसपी रायबरेली विश्वजीत श्रीवास्तव ने। पिछले दिनों कोतवाली सर्किल में, खासतौर से थाना कोतवाली और मलेरिया में हुई कुछ चोरियों के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय द्वारा सीओसीटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उस टीम ने अपने सुराग रसी पता रसी करते हुए कुछ कल चार चोरों को गिरफ्तार किया और जिनके नाम करण सोनकर, शिवम सोनकर, कैलाश और मुकेश हैं। ये सभी कोतवाली और मलेरिया क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं और इनके पास से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे इन्होंने मलेरिया क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र की 9 चोरियों को कबूला और उसके पास से पुलिस की टीम द्वारा इनसे काफ़ी सारा सामान बरामद किया गया। जो सामान का विवरण कुछ इस प्रकार है, इनके पास से जो है वो 91 ग्राम सोना चोरी का बरामद हुआ जो करीब 5 लाख रुपए का है और करीब 1350 ग्राम चांदी जो करीब 1 लाख की है, चांदी के कुछ गिलास और कुछ और चांदी के सामान जिनकी कीमत करीब 5000 रुपए है और 8000 रुपए इनके पास से नगद बरामद हुए और बहुत सारा इनके पास से 7 मोबाइल बरामद हुए चोरी के और मोटरसाइकिल बरामद हुई और चोरी के तमाम सारे उपकरण और 2 तमंचे भी इनके पास से बरामद हुए। चोरी की घटनाएं कहां कारित करते थे? आमतौर से इनका मुख्य निशाना वो घर हुआ करते थे जिनमें लोग बंद करके घर से बाहर चले जाया करते थे और मलेरिया और कोतवाली क्षेत्र ही इनका वो था। इसके अलावा इस गैंग में कुछ और भी सदस्य हैं जिनके नाम आ गए हैं, शीघ्र ही उनको भी पकड़ के और कुछ और भी चोरियों का खुलासा किया। गैंग इस टीम को अच्छे कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10000 रुपये का इनाम दिया गया। गैंग क्या स्थानीय है? हाँ, अभी तक तो ये गैंग जो है स्थानीय लोगों का है, पूछताछ की जा रही है और इससे अन्य खुलासे भी हो सकते हैं।